Hello students, welcome to school quiz. My name is Sapna Soni and I am going to teach you class 9th mathematics. So in the previous class we have discussed about the introduction of polynomials and the different types of polynomials, and based on the types of polynomials we have solved many questions. So now in today's class we are going to discuss about zeros of polynomials. Zeros of a polynomial. So basically, what are zeros of a polynomial? Polynomial के zeros क्या होता है? Zeros of a polynomial होता क्या है? हम अब ये समझेंगे with the help of an example. Suppose we have an polynomial equation px equals to 3x square plus 2x minus 1. Suppose हमारे पास में एक polynomial equation है px equals to 3x square plus 2x minus 1. अब हमने px क्यों रखा है? Because in the whole equation we have used the variable x. हमने equation में कौन सा variable रखा है? हमने equation में x variable रखा है. So हमारी equation क्या है? px. Now replacing x with 1, हम x की कुछ values put करके देखेंगे कि हमें क्या-क्या values मिलती हैं. Like first of all we will replace x with 1, what will get? 3, x square means 1 square plus 2 into 1 minus 1. Now p1 equals to 3, 1 का square हमें क्या मिलेगा? What is the square of 1? It is 1 all itself. So 1 ka square 1 or 3 times 1 means 3 plus 2 times 1 we get 2 minus 1. So what will get the value? 3 plus 2 is 5, 5 minus 1 is 4. Hamare paas mein p1 ke value kya aayi hai? 4. We got the value 4 when we replace x with 1. Jab hum x ko replace karenge 1 se, hame 4 value milegi. Similarly, now we are going to put the value of x equals to minus 1. हम x को किससे replace कर रहे हैं? We are going to replace x with minus 1. X की जगह हम क्या रखेंगे? हमारा value minus 1. So 3x square, that means 3 of minus 1 square plus 2 into minus 1 and then again plus 1. So what you'll get? माइनस वन का स्क्वायर. माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा? माइनस वन इनटू माइनस वन होगा, ठीक है. वन टाइम्स वन क्या मिलेगा हमें? व्हाट विल गेट? वन टाइम्स वन विल गेट वन. एंड माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाइड में माइनस बिकम्स प्लस. सो हमारे ये क्या बन जाएगा? माइनस वन इंटू माइनस वन, इट बिकम्स ओनली वन. सो थ्री टाइम्स वन वी गेट थ्री. ओके, नाउ प्लस इनटू माइनस. जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस. टू टाइम्स वन वी गेट टू, अगेन प्लस वन. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू? सॉरी, हियर माइनस वन इज इट. ये माइनस वन है. सो पी ऑफ माइनस वन हमें क्या मिलेगा? यहां पर पी ऑफ माइनस वन वी गेट थ्री. माइनस माइनस हमारा क्या होता है? प्लस. तो टू प्लस वन थ्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? माइनस का थ्री, बिकॉज बिगेस्ट नंबर हमारा टू है. टू के आगे कौन सा साइन है? माइनस. तो हमारा माइनस टू माइनस वन क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ थ्री. सो पी माइनस वन वी गेट इक्वल्स टू जीरो. यहां पर हमने जब इसकी वैल्यू वन रखी, व्हेन वी रिप्लेस्ड एक्स विद वन इन द फर्स्ट इक्वेशन, देन वी गेट 4. Again, then when we replace x with minus 1 in the same equation, we get the value 0. So, hum samajhna kya chah rahe hain? Padh kya rahe hum? Zeros of a polynomial. That means, jab hamara polynomial equation kya value de de? Hume 0 de de. Jis point pe, jis value pe variable ki hume 0 value mil jaye polynomial equation ki, that is known as the zero of the polynomial. अब हमने यहां वन रखा था, सो वन पे हमें जीरो वैल्यू मिली पॉलिनोमियल इक्वेशन की? नो. सो व्हाट विल से?
one is not the zero of a polynomial. So हम क्या बोलेंगे कि वन क्या है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज वेन वी रिप्लेस एक्स विद वन वी डिडंट गेट द वैल्यू जीरो. हमें कुछ डिफरेंट नंबर मिला, हमें जीरो नहीं मिला. सो वन इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. सिमिलरली हियर वेन वी रिप्लेस एक्स विद माइनस वन वी गेट द वैल्यू जीरो. हमें जीरो वैल्यू मिल गई माइनस वन से रिप्लेस करने पे. सो व्हाट विल से माइनस वन इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो माइनस वन क्या है? जीरो है पॉलिनोमियल का. ठीक है. और वी कैन से, और हम क्या बोल सकते हैं, दैट माइनस वन इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन. जो माइनस वन है वो क्या है? इसका रूट है. क्योंकि इसकी वैल्यू पे जब हमने एक्स की वैल्यू ये पुट करी, वैल्यू पुट रिप्लेस एक्स विद माइनस वन, वी गॉट द वैल्यू जीरो. सो वी कैन से दैट माइनस वन इज द रूट ऑफ द इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन. सिमिलरली सॉल्विंग सम अदर एग्जाम्पल्स. Now suppose we have a example PU equals to 2. Is this a polynomial? Yes, this is a polynomial. ये है polynomial. But variable है नहीं. तो variable अगर नहीं होता उसका मतलब क्या होता है? जो भी यहां पर variable होगा उसकी power क्या होगी हमारे पास में? Zero होगी. जीरो होगी पावर, तभी तो वो पूरा वेरिएबल हमारा वन बन चुका होगा. इसीलिए ये कांस्टेंट बना होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा. अब हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? कौन सा वेरिएबल यूज किया है? यू. दैट मीन्स हमारा टू के साथ में कौन सा वेरिएबल होगा? यू. ओके फाइन. नाउ वी पुट द वैल्यू यू इक्वल्स टू टू. हम यू को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? यू की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर रहे? टू. सो टू, u की वैल्यू जीरो, दैट मीन्स टू की वैल्यू जीरो, टू के पास जीरो, सॉरी u के पास जीरो है तो टू की पावर भी जीरो ही. अब किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है दैट नंबर बिकम्स वन. तो ये पूरा जो टर्म है हमारा वो क्या बन जाएगा? वन. एंड टू टाइम्स वन वी गॉट टू. सो हमने जो वैन वी रिप्लेस यू विद टू वी गॉट द वैल्यू टू. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल P of t equals to 4, t raised to power 0. ये polynomial है? Yes, it is a polynomial. But हमारा power क्या है? Again 0. That means this is a constant polynomial. So putting t equals to 100, t को हम लोग एक बार 100 value रख के देखते हैं. 4 into 100 times 100 raised to power 0, किसी भी नंबर की अगेन पावर 0, दैट मीन्स दैट बिकम्स 1. सो 4 टाइम्स 1 वी गेट 4. तो व्हाट विल गेट, हमें क्या मिल रहा है, क्या पता क्या लग रहा है कि जब भी हम कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले रहे हैं उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, उसका कोई जीरो नहीं होगा. सो देर इज नो जीरो ऑफ द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. हमारा जो कॉन्क्लूजन निकलता है वो क्या है? सो देयर इज नो जीरो ऑफ अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होगा. देयर इज नो जीरो ऑफ अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर से रिप्लेस करेंगे, अगर किसी भी वेरिएबल किसी भी नंबर से रिप्लेस करते हैं वी गेट द सेम इक्वेशन. हमें सेम नंबर या सेम टर्म मिल जाएगा. दैट मीन्स देर इज नो जीरो ऑफ अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल.
Now comes on next example. Now suppose we consider a linear polynomial. हम एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं. लेट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल अब हम ले रहे हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. होता क्या है लीनियर पॉलिनोमियल में. इन लीनियर पॉलिनोमियल द पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन. अब हम क्या देख रहे हैं डिग्री. जो डिग्री होगी वेरिएबल की या फिर जो हाइएस्ट डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की दैट इज वन. हियर द डिग्री इज वन. तो हम क्या करेंगे ये हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिए. क्या लिया हमने लीनियर पॉलिनोमियल. सो वी आर आस्क्ड टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन. हमें इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के जीरोस निकालने हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू. जीरोस निकलता कैसे है. हमें जनरली पी एक्स इक्वल्स टू जीरो चाहिए होता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट पी एक्स इक्वल्स टू जीरो. Now, px हमारा क्या है ax plus b. So, हम px को क्या रखेंगे ax plus b equals to zero. Now, what we'll do? ये जो हमारा constant term है हम इसको दूसरी side भेजेंगे. ये plus में है positive of b है. जब ये दूसरी side पे जाएगा it will become negative of b. So, what it will become equals to minus of b or negative of b. Now, ax, ax मतलब a x के साथ में किस फॉर्म में है मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है. जब पॉजिटिव नेगेटिव बनता है और नेगेटिव पॉजिटिव बनता है दूसरी साइड पे जाकर के देन मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा. मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिवाइड फॉर्म एंड इफ देयर इज डिवाइड सो इट विल बिकम मल्टीप्लाई. अब यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है सो इट विल बिकम इन डिवाइड फॉर्म. सो x हमारी क्या वैल्यू आई x की माइनस बी अपॉन ए. ठीक है तो कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है इफ देयर इज एनी लीनियर पॉलिनोमियल देयर जीरो विल बी माइनस बी अपॉन ए. लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 3x प्लस 5. हमारे पास में एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है 3x प्लस 5. हमें इसके जीरोस निकालने. वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इट्स जीरोस. हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड. सो लीनियर पॉलिनोमियल से व्हाट वी गेट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है. जनरली लीनियर फॉर्म यही होती है. टेकिंग लीनियर फॉर्म एक्स प्लस बी. अब हमारा लीनियर का क्या होता है जीरो एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ये होता है वन सेकेंड में अगर हमें फाइंड करना हो कि हाँ भाई कैसे निकालना है हमें फटाफट से जीरो. सो जस्ट सी कि माइनस बी अपॉन ए है. बी क्या है हमारे पास में व्हाट वी हैव द वैल्यू ऑफ बी. वी हैव द वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू फाइव. बी इक्वल्स टू हमें क्या दिख रहा है फाइव है. बट हमें बी पॉजिटिव नहीं लेना. वी हैव टू टेक निगेटिव ऑफ बी दैट मीन्स माइनस ऑफ फाइव अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्री हियर ए हियर इट इज थ्री. सो इट बिकम्स माइनस फाइव अपॉन थ्री. सो एक्स हमें किस वैल्यू पे जीरो देगा. इस इक्वेशन का जीरो क्या है माइनस फाइव अपॉन थ्री. इस वैल्यू पे हमें ये एक्सप्रेशन जीरो वैल्यू देगा. सो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है दैट देयर इज वन and only one root or zero of a linear polynomial. So our conclusion kya nikalta. What is our conclusion here that there is वन एंड ओनली वन रूट और जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल का खाली एक ही रूट होगा और वी कैन से एक ही जीरो निकलेगा दैट इज माइनस फाइव अपॉन थ्री जैसे माइनस बी अपॉन है. सो जनरली हम लोग इसी वैल्यू से हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं कि हाउ वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन इफ लीनियर पॉलिनोमियल इज गिवन देयर. Now, just taking an example of zero polynomial. अब हम एक polynomial रखेंगे zero polynomial.
px equals to 0x. हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है px equals to 0x. ठीक है, सो पुटिंग x equals to 1, what we get? 0.1, that is 0 multiplied by 1, again we get 0. Now taking x equals to 1000 equals to 0 into 1000, again we get 0. क्यों? क्योंकि जब भी हम 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, if we multiply 0 with any of the number, we get the answer 0. जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0. सो इसका कंक्लूजन क्या निकल, हमारे जीरो पॉलिनोमियल का क्या कंक्लूजन है? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ आवर जीरो पॉलिनोमियल? ये कंक्लूजन है दैट इफ वी पुट एनी रियल नंबर, इफ वी रिप्लेस एक्स विद एनी रियल नंबर, वी गेट ओनली जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, वी गेट द सेम जीरो पॉलिनोमियल. ओके, सो एवरी रियल नंबर number is the zero of a zero polynomial. Every real number, kuch bhi real number rakho, put any of the real number, we get the value zero. So hamara yahan pe equation kya ban raha hai? It becomes zero. Therefore, every real number is the zero of a zero polynomial. Zero polynomial में कुछ भी हम लोग अगर real numbers रखते हैं, we get the zero. Okay? So, every real number is the zero of the zero polynomial. So, these are the zeros of a polynomial. I hope you all got understand about what are the zeros of polynomial. Zeros of a polynomial होता क्या है? That value of x at which the equation becomes zero, equals to zero it becomes. So these are the zeros of a polynomial. Thank you, students.